हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, आज हम बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है बिहार यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का वीवीआई क्वेश्चन सेशन 22-24 का लेके आए हैं। देखिए, एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, इसीलिए अब सीटेट का एग्ज़ाम के बाद एकदम तैयारी में आप लोग लग जाइएगा, समझ गए। देखिए, किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी कोर्स का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 95-76-00-2401 पर आपको व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा सभी कोर्स का, 95-76-00-2401 पर, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024, सेशन हो गया 22-24। देखिए, कोर्स एट है जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, कोर्स एट जो है आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि जानना से आप क्या समझते हैं, जानने के विभिन्न तरीके का वर्णन करें, यानी व्हाट इज नोइंग इट्स डिफरेंट वे ऑफ नोइंग, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि निम्नलिखित 2 प्रश्न टिप्पणी लिखे कि सूचना क्या है, कौशल क्या है, विश्वास क्या है, और ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत करेंगे, समझ गए। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ज्ञान विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है, यानी हम किस प्रकार के ज्ञान को विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है, व्याख्या कीजिए, समझ गए। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि पाठचर्या के रूपरेखा, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। 3 क्वेश्चन आप यूनिट 2 में कर लीजिएगा। देखिए, यूनिट 3 में भी ये पाठचर्या वाला पूछ जाता है, लेकिन यूनिट 2 में ही एक बार आ गया था, तो इसीलिए इसी में लिख दिया। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए, यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम या पाठचर्या, दोनों करिकुलम इंग्लिश याद रखिएगा, दोनों में देखिए आपके कहीं कहीं दोनों पाठ्यक्रम को कहीं कहीं सिलेबस लिख देता है, समझे। तो यहाँ पर करिकुलम समझना है, समझ गए, यानी पाठचर्या लिखा है कि पाठचर्या के अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए, स्कूल में पाठचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, समझ गए। नहीं, डिफाइन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम नीड फॉर करिकुलम इन स्कूल। 6 क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों के महत्व क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठचर्या निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या महत्व है, समझ गए, यानी राष्ट्रीय राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या महत्व है। और 8 क्वेश्चन है कि पाठचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है, इसको आपको लिख देना है, समझ गए। और एक्स्ट्रा में आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विषमताओं को दर्शाइए। और अब लास्ट यूनिट है आपका कि पाठचर्या निर्माण के विभिन्न उपागम क्या है, विशिष्ट व्याख्या कीजिए। और 10 क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्रियान्वयन या विकास में तकनीकी संसाधन या औजारों की विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्ष या सोपान पर सविस्तार अपने विचारिए। कितना क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका कोर्स 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। नोट्स लेना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, 95-76-00-2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स को ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।